आइए 20 नाम और देख लेते हैं, 20 इंपॉर्टेंट डेट्स और देख लेते हैं, फिर 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 आप मात्र कितने, जितना मैंने बताया आप सिर्फ 4 से 5 सेकंड के अंदर, मतलब 5 मिनट के अंदर पूरे याद कर सकते हो। 40 के 40 जैसे मैंने बताया वैसे आपने एक बार रिवाइज करना है और तुरंत एक बार लिख के लेना है, खत्म। ठीक है, चलो तो अभी मैंने 20 बता दिए थे, 21 बार चला था नेशनल डिफेंस डे, नेशनल डिफेंस डे। अब इससे मुझे क्या याद आ रहा है, इससे मुझे याद क्या आ रहा है, नेशनल डिफेंस डे मैंने इसको कोरिलेट किया हुआ है ना, मैंने बोला फनी रिलेट, सबसे इंपॉर्टेंट है फनी रिलेट। आपने कॉमेडी में तो बना लिया बट फनी रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो इंपॉर्टेंट नहीं है उसका, फनी रिलेट करना है। नेशनल डिफेंस, मैंने डिफेंस से एक वर्ड उठाया, मैंने अपने माइंड में सेटअप किया कि मैं किसका डिफेंस कर रहा हूं, अपने मामा का या मॉम का। देखो यहाँ पे कितने सारी चीजें बन रही, देखो मामा का, मॉम का, मम्मी का, मम्मी का। ठीक है, मामा तो 3 3 3 मार्च, 3 मार्च मॉम, 3 मार्च मम्मी, 3 3 3 मार्च। यहाँ पे दो बार आ रहा है बट हमको एक ही बार लेना रहता है इसमें, ये इसका रूल है कि दो बार अगर एक सेम से मोड आते तो हमको सिंगल बार लेना। ठीक है, तो देख रहे हो आप कितनी बार आ रहा है, तो आप कोई भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, जितना ज्यादा फनी हो सके उतना। तो नेशनल डिफेंस डे मुझे, मैं अपने मॉम का सबसे ज्यादा डिफेंस करता हूँ, मतलब अगर नेशनल पूरे राष्ट्र में कोई है ऐसा तो जिसको मैं रक्षा करना चाहता हूँ वो कौन है, मेरी मॉम है। ठीक है, जिसकी मैं रक्षा करता हूँ, मेरे ख्याल से आप सब भी वही करते रहोगे। ठीक है, तो आप सब भी सोचो कि मैं अपनी मॉम की रक्षा करूंगा, डिफेंस। ठीक है, नेशनल डिफेंस डे कब मनाते हैं, 3 और 3, इसको बॉडी को तोड़ेंगे तो 3 3 आ जाएगा, तो आप किसकी रक्षा करते हैं, अपनी मॉम की। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डे, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी डे आता है, तो राष्ट्र को सिक्योरिटी कौन देता है, आर्मी वाले देते हैं, सिंपल सा है, कौन देता है, आर्मी वाले देते हैं। तो आर्मी का कोडिंग तोड़ो इसको 4 और इसका 3, 4 मार्च, 4 मार्च हो गया ना आर्मी। तो नेशनल सिक्योरिटी डे कौन करता है, सिक्योरिटी कौन देता है भारत को, आर्मी वाले देते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे, वुमेन आ गया तो मैंने वुमेन उठाया, वुमेन लोग जो होते हैं वो बर्तन किससे मांजते हैं, विम बार से, विम से, किससे, विम से, विम बार है ना, तो विम से, विम से क्या करते हैं, बर्तन को साफ करते हैं, इसको कोडिंग को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3। ठीक है, 8 मार्च को, ओके। पिछले वीडियो में एक रॉन्ग हो गया था थोड़ा सा, मैंने बैड बताया था, एनआरआई डे कब मनाते हैं, एनआरआई डे जो प्रवासी होते हैं भारतीय बहुत ज्यादा बैड होते हैं, तो बैड पे यहाँ पे बी था बैड, तो इसका 9 और 1 आएगा। ठीक है, आप उसको याद रखिये, 9 और 1, वहां पे मैंने 1 1 बता दिया था, ओके। तो आपको याद है क्या, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे, वुमेन्स लोग जो होते हैं वो बर्तन किससे मांजते हैं, विम बार से, विम से, तो विम को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 और 3 होगा। ठीक है, 8 और 3 होगा। नेक्स्ट वर्ल्ड किडनी डे, किडनी डे, यहां से किडनी वर्ड उठाना है, आपके पीएम की किडनी खराब हो गई है, आपके पीएम की किडनी खराब हो गई है, ऐसे इमेज करना है, ये रियलिटी नहीं है बट हमको याद करना है तो हम इसको ऐसे याद कर सकते, या तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपकी किडनी खराब हो गई और आपको डोनेट करने वाले कौन है, पीएम, बट ये ज्यादा खराब हो जाता है इसलिए मैंने बोला कि हमारे पीएम की किडनी खराब हो गई है, तो हमारे पीएम की किडनी खराब हो गई है तो पीएम, पीएम को ब्रेक करेंगे तो 9 3 आ जाएगा। 9 मार्च को मनाते हैं किडनी डे। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिक्स डे, मैथमेटिक्स डे, मैथमेटिक्स से एक वर्ड मैंने उठाया और इससे फनी इमेज बना के रिलेट कैसे किया। देखो मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा होना चाहता था, ये मेरा ड्रीम था, मैं मैथमेटिक्स में हो नहीं पाया, मैं मैथमेटिक्स में मेरा ड्रीम था कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, इसलिए मैं मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं कर पाया, मेरा ड्रीम था बट मैथमेटिक्स में अच्छा करना, इसको अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 1 4 3, 14 मार्च, मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है, 14 मार्च को। तो मेरा ड्रीम था कि मैं मैथमेटिक्स में अच्छा करूंगा बट नहीं कर पाया, तो मेरा ड्रीम था, ड्रीम क्या था, मैथमेटिक्स में अच्छा करना। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे क्या होता है, आज मेरा, इसको याद कैसे करना है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, आज मेरा जंगल में अंतिम दिन है। अब मुझे पता है आज मैं जंगल गया था घूमने और मुझे वहां पे कुछ शिकारी मिल गए और मेरा शिकार करने लगे। ठीक है, उस समय मुझे फीलिंग आई कि आज तो मेरा अंतिम दिन है, कहां पे, जंगल में, आज मेरा अंतिम दिन है, अंतिम दिन कहां पे है, जंगल में, क्यों, क्योंकि सामने बंदूक लेके खड़ा है कौन, शिकारी, तुम्हारा शिकार तो होना पक्का है। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब याद है आप जंगल में हो, जंगल में लास्ट डे है आपका, अंतिम डे है, अंतिम, अंतिम, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 1 3, 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च, ओके, अंतिम,
अंतिम, इसको कट करेंगे, ये यहाँ से टू निकला, यहाँ से ये कट किया, यहाँ से ये वन मिला, यहाँ से ये थ्री मिला, इसको कट किया अंतिम। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट फास्ट करना है आपको। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हो गया, वर्ल्ड वाटर डे। अब यहाँ से एक वर्ड मैंने उठाया वाटर, मुझे पता है मेरे घर में सबसे ज्यादा वाटर कौन बचाता है, मुझे पता है मेरे घर में सबसे ज्यादा वाटर कौन बचाता है, वो है मेरी नानी माँ। ठीक है, कौन बचाता है, मेरी नानी माँ वाटर सबसे ज्यादा मेरे घर में बचाती है, वो सबको चिल्लाती है कि वाटर कम यूज करो, वाटर का वाटर बचाना है हमको, तो कौन है वो, मेरी नानी माँ। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 22 3। ठीक है, 22 मार्च को, ठीक है, 2 2 3, बाकी सब वोवेल्स कर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इंटरनेशनल टीवी डे, टीवी आ गया, वहां पे कैंसर था, कैंसर किससे ठीक होता है, आयरन से, मैंने लोहा बोला ना, कूट के मुंह भर दो उसके तो ठीक हो जाएगा उसको कैंसर। अब यहाँ पे टीवी हो गया, तो टीवी किससे ठीक होगा, निरमा से, किससे, निरमा पाउडर खाएंगे टीवी ठीक हो जाएगा। एडवर्टाइज आता है ना निरमा का, तो वहां पे एडवर्टाइज के जगह पे ये डाल दो कि आप निरमा खाएंगे तो टीवी से, टीवी के मतलब बीमारी से मुक्त मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, क्या खाएंगे, निरमा, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 2 4 3, देखिए कितना फटाफट ब्रेक करना है, 2 4 3 2 4 3, मुझे याद नहीं है ये, मैं सिर्फ इस कोडिंग को समझता हूँ और फिर इसको फटाक से बताता हूँ और ये राइट ही रहता है। ठीक है, अगर आपको वर्ड बरोबर याद है तो। इंटरनेशनल टीवी, टीवी किससे ठीक होता है, निर्मा से ठीक होता है। वाटर कौन बचाता है आपके घर में सबसे ज्यादा, नानी माँ बचाती है। फॉरेस्ट में आज क्या है आपका, अंतिम दिन है। मैथमेटिक्स में आपको अच्छा होना था, ये आपका ड्रीम था। किडनी कौन दे रहा है आपको, पीएम दे रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स लोग किससे बर्तन मांजती है, विम से। सिक्योरिटी कौन करता है देश की, आर्मी वाले। आपको डिफेंस किससे किसको करना है, अपने मम्मी को या मामा को। पुलिस डे, पुलिस डे आपको सीधे से पता है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, फिर भी अगर इसको वर्ड में याद करना है तो डियर, आप अपने डियर को पुलिस बना रहे हो, आप अपने डियर को पुलिस बना रहे हो, तो डियर का कोड क्या हो जाएगा, 1 1 4। ठीक है, 1 और ये 4, तो 1 4, 1 अप्रैल को। ठीक है, समता डे, समता डे, मैं समता डे किसके साथ मना रहा हूँ पता है, लारा के साथ में। अब लारा कौन है आप समझ जाओ। ठीक है, मैं किसके साथ समता डे मना रहा हूँ, लारा। ठीक है, तो आप किसके साथ समता डे मना रहे हो, लारा के साथ में, और लारा आपकी कौन है आप समझ जाओ, फ्रेंड हो सकती है, बहन भी हो सकती है। ठीक है, तो समता डे, समता डे आप किसके साथ मना रहे हो, लारा के साथ में। लारा को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 5 4 5 अप्रैल। ठीक है, इस तरह से आपको फटाफट करना है। तो समता डे, समता डे क्या होता है, समता डे किसके साथ मना रहे हो आप, लारा के साथ में मना रहे हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था किस दिन पे हुआ था, मैं आपको बोलता हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन आपका हाथ था, तुम्हारा हाथ था, किसका हाथ था, तुम्हारा हाथ था। ये जो इतना बड़ा जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ है इसमें तुम्हारा भी हाथ है, किसका हाथ है, तुम्हारा भी हाथ है, तो तुम्हारा मैंने लिख दिया 1 3 4 13। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 3 और ये 4, बाकी सब ओवल से कर जाएंगे, आ गया ना। तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड में किसका हाथ है, तुम्हारा भी हाथ है। ठीक है, बीआर अंबेडकर डे, बाबा साहब अंबेडकर डे कब मनाए जाते हैं, अब इसको याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ा जहां पे मूर्ति है बीआर अंबेडकर का, उसमें दरार आ गई है, क्या गई है, दरार, और वो खराब हो रहा है। ठीक है, क्या हो गया, उसके अंदर पूरी तरह से दरार आ रही है, बीआर अंबेडकर की मूर्ति में क्या आ रही है, दरार। आप इसे सीन देखो कि बीआर अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी है और उसमें क्या आ रही है, दरार आ रही है। तो दरार को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 4 4। ठीक है, 14 4, चलो ये डेट स्पेशल है थोड़ा, 14 4, क्योंकि उस दिन बीआर अंबेडकर जी का बर्थडे होता है। ठीक है, 14 4, तो आप किसे याद करेंगे, दरार से। बीआर अंबेडकर को क्या हो गया था, दरार, सॉरी उनके मूर्ति में क्या आ गई थी, दरार आ गई थी, उसको कैसे याद करेंगे, 44। वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ मैंने यहाँ पे अंबेडकर उठाया, मूर्ति उठा ली, जलियांवाला बाग हत्याकांड तुम्हारा हाथ था, समता डे किसके साथ मना रहा हूँ, लारा के साथ में मना रहा हूँ, पुलिस डे डियर को आप बना रहे हैं, उसी तरह से इसका वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ डे। अर्थ पे अगर मैं हीरो की बात करूं तो वो मेरे नाना है। कौन है, नाना, वो आपके नाना हीरो है। आप ऐसे याद कर लो कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, पूरे अर्थ पे अगर रियल हीरो है तो मेरे नाना है, मेरे नाना हीरो है, रियल इस अर्थ के नाना मेरे हीरो है। ठीक है, नाना हीरो है, क्या है, नाना हीरो, अर्थ आया तो नाना तुम्हारे हीरो है, इस अर्थ का असली हीरो कौन है, नाना, नाना हीरो। नाना को ब्रेक करेंगे तो 22 4। ठीक है, 22 4, वर्ल्ड अर्थ डे। अगला क्या दिया, वर्ल्ड डांस डे।
जो लोग डांस करते हैं ना उनको एक खासियत होती है, वो क्या करते हैं पता है, निपुर मेहंदी लगाते हैं बालों में। कौन सी मेहंदी लगाते हैं? निपुर मेहंदी लगाते हैं। आप कभी भी देखना लोग निपुर मेहंदी लगाते हैं, जस्ट इसको कॉमेडी इमेज बना रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं, कुछ नहीं। डांस जो करता है वो क्या लगाता है? निपुर मेहंदी। कभी भी किसी को आप डांस करते हुए देख लो तो आप समझ जाओ कि वो निपुर मेहंदी लगा रहा है। निपुर से आपको क्या याद आ जाएगा? वर्ल्ड डांस से। वर्ल्ड डांस से कम आ जाता है तो यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे 294 है ना, 294। ठीक है, ओके। इंटरनेशनल लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे लेबर उठाया, मेरी कंपनी थी एक जिसमें बहुत सारे लेबर्स काम करते थे, अब वो लेबर्स दिल्ली भाग गए, क्यों? क्योंकि दिल्ली में उनको ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, तो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? जिस दिन वो दिल्ली भाग गए। किस दिन? जिस दिन वो मेरी कंपनी छोड़ के कहां भाग गए? दिल्ली भाग गए। तो दिल्ली को कोडिंग को तोड़ेंगे तो 15, ठीक है, 15। देखो दूसरा वर्ड नहीं मिला इसलिए मैंने बीच में लाइन मारा, नहीं तो मैं आगे लाइन मारा था तो बीच में वर्ड नहीं मिला इसलिए 15, तो 1 मई। ठीक है, ओके। कहां चले गए सब? मेरी कंपनी छोड़ के दिल्ली चले, क्योंकि उनको पेमेंट वहां पे ज्यादा मिल रहा, तो उस दिन इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाएगा। इंटरनेशनल फैमिली डे, फैमिली डे कब मनाया जाता है? मैं अपने फैमिली के साथ में सिर्फ एक ही मूवी देखता हूँ, बाकी कोई मूवी अपने फैमिली के साथ में नहीं देखता हूँ, वो मूवी है दिलवाले। कौन सी मूवी है? दिलवाले मूवी मैं अपने फैमिली के साथ में देखता हूँ, बाकी कोई भी मूवी मैं अपने फैमिली के साथ में नहीं देखता हूँ। कौन सी फैमिली? मेरी फैमिली, आपकी फैमिली। कौन सी मूवी आप देखने जाते हो अपने फैमिली के साथ में? सिर्फ दिलवाले। आप भी वही इमेजिन कीजिए जो मैं इमेजिन करता हूँ, ठीक है? आप दूसरा भी वर्ड बना सकते हो बिल्कुल, बट अभी आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप वही वर्ड थोड़ा इमेजिन करके सोचिए। तो मैं कौन सी मूवी देखने जाता हूँ? दिलवाले। दिलवाले को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? 155, बाकी सब वोवेल से कट जाएंगे, ठीक है, ओके। चलो तो ये दिलवाले मूवी में अपने माउंट एवरेस्ट डे, माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है? अब यहाँ पे एवरेस्ट डे को मैंने कन्वर्ट किया। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 295 29 मई को मनाया जाता है, ठीक है? आपको समझ रहा है कि नहीं? देखो यहाँ पे नेपाल, तो यहाँ पे 2 हो गया, इसको 9 हो गया, इसका 5 हो गया, 295 को। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं? अब यहाँ पे डॉक्टर्स, मैं दौड़ रहा था जा रहा था एक डॉक्टर से मिलने, ठीक है, सिर्फ मैं मिलने जा रहा था लेकिन अचानक मैं वहीं पे गिर गया और मेरे सर पे बहुत बड़ा चोट लग गया। अब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे टाका मार दिया। क्या मार दिया? टाका मार दिया। बोला कि मुझसे मिलने तो आ रहे थे तो आराम से आए होते, दौड़ने की क्या जरूरत थी, दौड़ गया, टाका लगाओ अभी, ठीक है। डॉक्टर ने मेरे सर पे क्या लगा दिया? टाका लगा दिया। तो वर्ल्ड डॉक्टर डे, डॉक्टर लोग क्या, डॉक्टर ने मेरे सर पे क्या किया? टाका लगा दिया। तो टाका को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा? 17, क्या होगा? 17, ठीक है, इसका 1, इसका 7, तो 17 को मनाया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या किया? आपके सर में टाका लगा दिया। आगे स्टैब्लिश ऑफ SBI डे, SBI की स्थापना कब हुई थी? SBI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आप इमेजिन कीजिए कि SBI, आप बहुत ज्यादा गरीब हो गए, ठीक है, आप घूम रहे हैं रोड पे, आपको खाने के लिए पैसे भी नहीं है, तो आपने एक बैंक देखा, उसका नाम था SBI, और वहां पे आप पहुंचे और वहां पे देखा कि आपने कोई CCTV कैमरा भी नहीं लगा था, आपने नजर घुमाया और आपने सीधा डाका डाल दिया। क्या कर दिया? डाका डाल दिया बैंक में, क्योंकि आप पहले से बहुत ज्यादा गरीब थे। आप इमेजिन करके सोचिए इसको कि आप बहुत ज्यादा गरीब हैं और कुछ भी खाने के लिए नहीं है और आप जा रहे बैंक, घूम रहे इस रोड पे और आपने देखा बैंक खुला हुआ है, कोई कर्मचारी भी नहीं है और CCTV कैमरा भी नहीं, आपने क्या कर दिया? डाका मार दिया। और डाका को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 17, है ना, 1 और 7, तो 1-7 को SBI डे मनाई जाती है, ठीक है। आगे टीचर डे, टीचर्स क्या करते हैं? हमको पढ़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ना, आपके टीचर्स आपको पढ़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। आपको कोई चीज नहीं आती तो टीचर क्या करती है? बता देती है या बता देते हैं, तो वो हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प को अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 5, 9, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा एल और पी, तो एल से 5 एंड पी से 9, तो 5, 9, ठीक है। तो टीचर से कम रह जाते हैं 5, 9 को। ये मुझे इसके आगे बहुत सारे याद है, ठीक है, बट कैसा, अभी एक दो बार आप पढ़ोगे तो आपको भी याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ एक दो बार आप ऐसे देखिए और उसको ऐसे कोरिलेट करके एक बार लिख लीजिए, मात्र 1 से 2 बार। मैं बोलता हूँ 2 बार लिखेंगे, आप सीधा नीचे कमेंट करेंगे कि सर आ गया मेरे को याद, ठीक है, बहुत जल्दी याद हो जाता है, बहुत ईजी है, ठीक है। ये टेक्निक बहुत अच्छी है, इस टेक्निक से आप कुछ भी याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर और वर्ड दोनों का रिलेशन है,
ठीक है। बाकी जो ट्रिक्स यूट्यूब पे पड़ी हुई है वो तो या तो आपको ऐसे बताएंगे, उसका कोई नंबर्स नहीं होता है, वो सीधा सीधा आपको वर्ड बता देंगे और कुछ ना कुछ तो नंबर बोल देंगे इस तरह से कि इस नंबर को किसी और में कन्वर्ट कर लो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा बेटर टेक्निक है, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई किसकी, 14th इंपॉर्टेंट डेज की। इसके बाद मैं 20 और लाऊंगा, फिर 20 और लाएंगे, कम से कम 100 तक करेंगे। उसके बाद मैं पीडीएफ डाल दूंगा कहाँ पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।